हेलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर जो है आप लोग सब ऑलरेडी जो है पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब जो है बहुत अच्छे से जो गुजार रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हो एंड प्रोवाइडिंग द फैक्ट वीकेंड भी है। तो आई एम श्योर जो भी अपने गाँव गए हुए हैं या फिर के घर में रिलेटिव आए हुए हैं और यू नो विद फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑल, आई एम श्योर यू एंजॉइंग अ लॉट एंड विद दिस सेड लेट्स स्टार्ट द डे। आप सबने देखा कि थोड़ा यू नो लेट से आया था, टायर्ड था तो मैं सो गया, तो वीडियो एडिट नहीं कर पाया। मुझे वीडियो एडिट करना है, बट उससे पहले जो है मैं थोड़ा सत्तू खा लूंगा। सत्तू इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। मुझे जो है कुछ फीडबैक स्पीच मिला था कि मैं कपड़ा जो है साफ़ करने के बाद ऐसे रख देता हूँ, बोलने के बाद भी नेक्स्ट डे नहीं करता हूँ। तो मैंने जो है अपने आप को पूरा सुधार लिया हुआ है। मैंने जो है आज ही जो कपड़ा यू नो कुछ जो पीछे देख रहे हैं ये जाएगा लॉन्ड्री को, बाकी जो सब है मैंने यू नो अरेंज करके रख दिया अपने वार्डरोब पे। तो ये नहीं कह सकते आपके मैं सुधरा नहीं हूँ। और आई थिंक ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी दिख जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, नॉट एग्जैक्टली कि सब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो, बट जो अच्छी चीज़ है वो करना चाहिए, और आप झूठ भी नहीं बोल सकते। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट बींग एन यूट्यूब क्रिएटर। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है एक्चुअली ये 4K वीडियो में, ये तो एक एक्सपोर्ट करना और उसके बाद उसको अपलोड करना, और वो पूरा जो है मतलब इनिशियली वो HD और SD फॉर्मेट में आ जाएगा। 4K फॉर्मेट में पूरा प्रोसेसिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग थिंग मैं फेस करूँगा। फिर भी मैं जो है 4K में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो लास्ट वक्त देखा होगा वो 4K में है, तो अगर हो सके उसको TV में देखिएगा, एंड एग्जीबिशन भी है, बहुत लोग हैं, तो आपको देखने में शायद अच्छा लगेगा। सो डू वॉच इट इन द 4K TV इफ़ यू हैव, इट गिव यू एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। सो ये रहा मेरा आज का OTD। मैं जो है अभी निकलूंगा थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग एज इन यू नो घर का एक थोड़ा बहुत जो है वेजिटेबल एंड सॉर्ट ऑफ चावल दाल जैसे मैंने बताया था वीकेंड में खरीदना है। कल से पक्का सुबह मॉर्निंग वॉक। अभी मैं लॉन्ड्री को दे दूंगा कपड़ा। अन्ना अभी चलेंगे DMart। सो मैं आज का हूं अभी अपना सबका मार्ट DMart पे। सस्ता टिकाऊ नहीं, सुंदर नहीं है, प्राइस अति सुंदर। आज जो है अलग ही हवा चल रहा है चारों तरफ, पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा हवा है, बट ठंड नहीं है। जैकेट पहना बिकॉज निकाला हुआ था तो पहन ही लेता, इसके बाद और मौका भी नहीं मिलेगा। सो यू नो इसको पूरे परमानेंटली जो है बिफोर आई कीप इट इनसाइड दी अलमीरा पूरा पहन लेता हूँ। एक्चुअली मेरा जो बहुत फेवरेट काम है, बचपन से ज़्यादा था कि ऐसा ही काम करते रहो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ नहीं कह सकता, इधर पे आके करता हूँ। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वाई दिस राइट, बिकॉज वेन इन रोम बीन लाइक अ रोमन। और ये जो है मुझे पसंद भी है, मैं जनरली यू नो पसंद करता हूँ, मैं खाता हूँ सच में यार। Jump, 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 go right. Oh.
আর ইন্টারেস্টেড নেই মনে হচ্ছে এটা দেখবো একটা। परी बेस्ट लो टीपटा परी। तो अभी मैं आ चुका हूँ अरिजीत के घर से अपने घर पे। अभी मैं डिनर के लिए जो बनाऊंगा वो है रोटी, मैंने बाहर से खरीद लिया, आपने देखा हुआ है। उसके साथ जो मैं बनाऊंगा वो है तवा बैंगन फ्राई। कैसे बनता है देखना है, चलो। अभी बनाने में प्रॉब्लम यही है कि ये बैंगन मैंने पूरा ऑर्डर किया था इंस्टामार्ट से, और ये इतना छोटा छोटा बैंगन उन लोगों ने मुझे डिलीवर किया, फुल बैंगन हो गया। थोड़ा बेसन, करीब 1.5 चम्मच नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ा आमचूर पाउडर। दिस इज द गेम चेंजर। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, छोटे अच्छे से मिक्स कर, छोटे अच्छे से मिक्स कर। इसको और भी अच्छा, अगर आप रोस्टेड कर ले थोड़ा तो इसका टेस्ट जो और भी ऊपर आएगा। अभी जो करना है वो है अच्छे से इसका कटिंग, छोटे छोटे पीसेस करना है, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। देखो निकल गया खराब, बस बीच से इसको ऐसे ऐसे कर देना है। और अगर बड़ा वाला है तो जो है तब आप लोग उसको गोल काट सकते हैं। अभी सिंपल टेक्निक है, ये आपने हाथ में लिया इसको ऐसे, ये पानी में भिगोना नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, ऐसे जो है बस नॉर्मली इसको जो है आप थोड़ा बहुत इसमें मिक्स करने के बाद ऐसा आएगा टेक्सचर। ये जाएगा तवे में। यूज ओनली मस्टर्ड ऑयल, ऐसे चारों तरफ जो है थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, बस इसे जो है घुमा ले हल्के से धीरे से। तवा हो चुका है गरम, अभी जो है धीरे धीरे ये तेल बैंगन को कहेगी धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना। द लास्ट वन, इसको जो है पूरा धीमे आंच में ही पकाना है, 7 to 8 minutes एंड दिस विल बी रेडी। नाउ द अदर साइड। तो ये हो चुका है मेरा खाना रेडी। अभी बता दूँ आपको, इसको ये तो पता है अभी जो मैंने अभी बनाया रोटी, मैंने जहाँ से ख़रीदा आपने देखा, ये जो है जो अरिजीत ने बनाया हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड गोंधुरा चिकन। बहुत लोग शायद इससे उतना वाकिफ नहीं है, बंगाल के पीपल नो अबाउट इट। मतलब गोंधुरा चिकन का कैसा होता है देखने में वो मैं दे दूँगा एक इमेजेस इधर पर, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं मॉर्निंग वॉक पे, सॉरी नाइट वॉक पे निकला हूँ, जस्ट देख रहे हैं पूरा चुपचाप पूरा एरिया, एंड जिन जहाँ पे हर जगह पे होता है वैसे इधर पे भी होता है कि लोग सो जाते हैं, एंड पीपल प्रेफर मोस्टली नो मॉर्निंग वॉक नाइट। मैं हालांकि ऑफिस नहीं जा रहा हूँ 2 दिन से वीकेंड के लिए, तो इसलिए मैं सोचा कि इवनिंग वॉक कर लूँ, बिकॉज वो एक स्ट्रिक मेंटेन रहेगा ऑफिस में। एज यू मस्ट हैव सीन, अगर मेरे ब्लॉग देखते हुए हो कि मैं रेगुलरली जो वॉक करता हूँ उधर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल रात में जब वॉक से आने के बाद आई जस्ट डोज्ड ऑफ डायरेक्टली, आज सुबह उठा एज द नेक्स्ट डे, बट आई विल नॉट कंटिन्यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट व्लॉग, बट एटलीस्ट आई विल एंड दिस व्लॉग। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा कैसा लगा है आपको, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और एटलीस्ट दो जन के साथ शेयर करिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस इज योर स्टोडो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।